सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वेलकम बैक जनाब, सुन रहे हैं सब चलेगा हाथ खान के साथ। इमरान अब्बास हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान अब्बास, फरमाइश आ गई है कि कोई छोटा सा थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें जल्दी से जरा। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। वाह वाह वाह, क्या बात है रफ़ी साहब का ये गाना, और बहुत अच्छा आपने इसको गाया। सुर ये जो गाने वाली जो चीज़ है, ये इसको इसको कहते प्रॉपरली हैं गला। इसको कहते हैं गला, ये जो चीज़ है। हाँ, ये इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से कब हो रहा है, कि कभी कब हम कोक स्टूडियो में किसी और प्लेटफॉर्म पे या कोई ओएसटी? अभी लेटली आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अ वेरी फेमस सिंगर रूना लैला, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बांग्लादेश का बहुत बड़ा नाम है, एंड वी आर प्लानिंग टू सिंग समथिंग टुगेदर। आपदा जी के साथ भी कुछ प्लान कर रहे थे हम, बट अभी देखें किस हद तक मटेरियलाइज होता है। बट आई हैव अ फ्यू वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशंस एंड अ वेरी फ्यू कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो मेरे ध्यान में हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप देखेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने बड़ा देखा है कि आप जो हैं वो सोशल मीडिया पे अब ओपनली जो भी कोई मसाइल होते हैं, जो भी कोई बुरी चीज़ आपको लगती है, आप फ़ौरन से उसके ऊपर बात करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है अच्छा कि आपने सवाल कर लिया, इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू में शायद थोड़ा सा झिझकता भी था, डरता भी था, और जब आप करियर की अपनी एक जगह पर होते हैं तो आपको बहुत से लोगों को प्लीज़ करना पड़ता है। आप कहते हैं नहीं यार कोई बुरा ना लग जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे लगता है कि मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बींग नो फॉलोड बाई सो मैनी पीपल। आपको जो हक बात होती है उसको ज़रूर कहना चाहिए डरे बगैर, बिल्कुल। बहुत ज़िंदगी छोटी है और आपको बिल्कुल एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अपने अंदर आपको लगता है कि कोई बात आपकी आप कुछ लोगों को इंस्पायर करते हैं या फॉलो आपको कुछ लोग करते हैं, तो उन तक हक बात ज़रूर पहुँचानी चाहिए। बहुत सारे भी लेटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें मैंने बड़ा खुल के बोला, जिसमें मुझे बड़ी मुखालफत देखनी पड़ी, और इलेक्शन डे को खास तौर पे। जी हाँ, वो कुछ एक वार्ड से तो उसके लिए भी मैंने कुछ लिख दिया था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत अजीब सा उसका रिएक्शन दिया। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई थिंक 99.9 रादर 100% ऑफ पाकिस्तानी सपोर्टेड मी ऑन माय टेक। तो मेरा ख्याल डर के नहीं जीना चाहिए, और जब आप बात हो उसको बोलने का हौसला रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सोशल मीडिया की जो सिग्निफिकेंस है वो आपकी जिंदगी में किस हद तक इम्पॉर्टेंस रखती है? यार सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट और गुड और बैड। बहुत अच्छा है सब कुछ, मैं बहुत कनेक्ट, अभी भी देखिए मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हूँ। इसकी पावर को आपको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने उन रिश्तों को और उन लोगों को भूल जाएं जो आपके पास हों। आप मैंने देखा है कि बच्चे अब हर वक्त ऐप में घुसे रहते हैं, हर वक्त अपनी उन खुशियों को, जो आप बच्चे सड़कों पे गलियों में जो क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, सब कुछ वो भूल के सब ऐप्स में आ गए। वे सब कुछ अपने माँ बाप से बात नहीं करते, अपने प्यारों से। हम लोग आपस में खाना खाएंगे तो हम फ़ोन पे घुसे होंगे और फेसबुक पे खाने की तस्वीरें भी लगा रहे होंगे, सब कुछ जो सामने बैठा होगा उसको हम भूल जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंट ना बनाएं कि आप अपने प्यारों को और अपने आसपास के लोगों को जिनको आप छू सकते हैं, जो आपकी दस्तरस में हैं, उनको खो दें। अच्छा क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको कोई कर रहा था इंस्टाग्राम पे पानी के हवाले से कि सीधे हाथ से पिए उल्टे हाथ से पिए, जबकि नहीं उनको पता कि आप सीधे हाथ से ही पी रहे थे, लेकिन जब कैमरे पे वो जाता है वीडियो जब जाता है तो वो उल्टा हाथ लगता है। तो इस तरीके की बातें या जो भी कोई क्रिटिसिज्म आता है, ये तो पैकेज पार्ट एंड पार्सल में होता ही है। आपको जब आप हमारे बहुत प्यारे लोग हैं पाकिस्तान के, बड़े जज्बाती, बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अंदर एक नेगेटिविटी भी पड़ी है। हमने बड़े बुरे बुरे हालात देखे हैं कि लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। उनको आपने सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप एक ऐसा कुछ गलत कर दें तो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे, बल्कि वो ढूंढ रहे होते हैं यूट्यूब पे प्रॉपर आपके ड्रामों के अंदर। वो लिखते हैं आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इमरान अब्बास के ड्रामे में कौन कौन सी गलतियाँ थीं, आइए फलानी जगह पे देखते हैं कि उन्होंने मेकअप कितना ज़्यादा किया होता है, उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कलर सैचुरेशन बढ़ी हुई क्या, लेकिन वो उन्होंने एतराज़ ज़रूर करना है। तो ये हमारी एक कौमी फरीज़ा, एक हमारा जो है ना एक नेशनल वो बन गया है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कीड़े निकालो।
सही। बस फुल अच्छा, टाइम का। मैंने मुझे जो बात पता लगी वो ये भी कि इमरान अब्बास को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बड़े वो हैं कुछ रिजर्वेशंस के ड्रामास के कंटेंट के ऊपर, कि कुछ चीज़ें टेलीविज़न के लिए हैं और इमरान अब्बास कहते हैं कुछ चीज़ें टीवी के लिए नहीं हैं, ये चीज़ें फिल्म के लिए होनी चाहिए, उसको टेलीविज़न पर नहीं आना चाहिए, चाहे वो कॉन्टेंट हो चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके बारे में क्या है, बोल्ड कॉन्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इंटीमेसी के हवाले से आपने कई दफ़ा कहा कि फिल्म और टीवी का मुझे देखिए डिफरेंस होना मुझे भी चाहिए। बहुत इस चीज़ पे एतराज़ सुनने को मिला। सबने कहा कि अरे भाई आप ये बात कर रहे हैं, आपने तो अपनी बॉलीवुड की तीनों फिल्मों में जो बड़े इंटीमेट सीन्स किए हैं। फिल्म देखिए मैं एक एक्टर हूँ और मेरी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो मैं उस हिसाब से अपने आप को करता हूँ काम। फिल्म में जब आप देखने जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप कौन सी और आप क्या फिल्म देख आप पैसे देके जा रहे होते हैं, और आपको ये भी पता होता है फिल्म में क्या होने वाला है, सब पता होता है। ऐसी बात नहीं होती कि आप चुन्ने काके जाके वहाँ पर बैठ के हाँ ये तो बड़ा गंदा सीन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको पहले से मेंटली प्रिपेयर, आप पैसे देखे, टीवी की व्यूशिप अलग होती है, टीवी पे आपको कुछ रिजर्वेशन रखनी होती हैं। फिल्म में आप बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं, कुछ फिल्म में आपको पता है कि भाई ये पेरेंटल गाइडेंस वाली हैं या कुछ अगर नहीं है तो फिर भी आपको टीवी की और फिल्म की ऑडियंस टोटली डिफरेंट है। तो टीवी पे मैं कहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ना होता है, क्या आप रखना चाहिए, क्या अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ देख रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ देख रहे होते हैं। अब तो खैर टीवी में भी आपको पता होता है कि ये ड्रामा इस तरह का है, तो अगर आपको पता हो कि वो ड्रामा उस तरह का है जिसमें आपको पता है कि कंटेंट इस रुख पे जाने वाला है, तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों के साथ मत देखिए। अच्छा, आपको लगता है आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आपको लगता हो कि यार या ये अभी जो थोड़ा मैं ऐसा सीरियल कर रहा था? हूँ इसमें ये काफ़ी बोल्ड है, लेकिन अगेन इसमें हम एक चीज़ एक एलिमेंट दिखाना चाह रहे हैं कि हरेसमेंट का हमारी जो आजकल की बच्चियां हैं या लड़कियां हैं उनको बहुत फेस करना पड़ता है ये वाला प्रॉब्लम। जब आप ऑफिस जाते हैं और अपने वर्क स्पेस में जाते हैं तो आप जाती हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होता है अगर कोई और एक्टर इसको दिखाता और करता जिसकी फॉलोइंग ना होती इसको कन्विंसिंग दिखाना, लेकिन शायद उनको उन्होंने मुझे इसलिए चूज़ किया कि मेरी वजह से लोग देखें सीरियल को और वो पैगाम पहुँचे कि लड़कियों को किस तरह अपना अपने स्टांस के ऊपर कायम रहना चाहिए और किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस तरह हम आगे। अब तो मेरा ख्याल है कि कोई वो भी पास हुआ है इस पर, कोई मेरा ख्याल है असेंबली में कोई बिल बिल अगेंस्ट, तो आई थिंक उसकी उसी को लेकर हम ड्रामे को आगे चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये ड्रामे बच्चे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें देखना क्योंकि इसके अंदर कंटेंट थोड़ा बोल्ड है, बट इतना सही। ऐसा भी नहीं है कि आप सही। अच्छा, आपको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ सीनियर लोग आपको बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं सहरा काजमी की बात हम करूँ, और मैं समझते हैं ना हम उम्र समझते अपना हैं, जैसे सहरा काजमी है, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, दे लैला आप वास्ती, और अब जो रूना लैला का आप नाम ले रहे हैं, रीमा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन शी इज अ है, डार्लिंग, शी इज अ डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। बिल्कुल, दिलीप कुमार साहब से आप जाके मिले इंडिया, और मतलब उन्होंने आपकी बहुत एसोसिएशन। उन्होंने बड़े अच्छे मेरे बारे में अल्फाज और बड़ी अच्छी मेरी वालदा से भी फ़ोन करके उन्होंने कहा कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है, ऐसा बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया जो हाँ पता नहीं मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं बड़ों से ज़्यादा थोड़ा सा कनेक्ट कर होता हूँ, और मुझे एक बात हमेशा से कि अदब पहला करीना है मोहब्बत करीनों में, तो आपको अपने बड़ों को अदब ज़रूर देना चाहिए, जो कि आजकल मुझे लगता है कि हम के हमारे जो बाद की जनरेशन आ रही है वो थोड़ी सी इस चीज़ से, बिल्कुल। तो और इसलिए मैं अच्छी बात है कि आपकी जो उर्दू पे जो आपको बूर हासिल है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वरना तो बूर आजकल की उनको उर्दू आपको पता है किताबचा जिसको कोई कुत्ता कुत्ता बच्चा भी कह बच्चा गया, तो ये तो हमारे यार इस बहुत वक्त फख्र की बात है, इतनी प्यारी हमारी जबान है, बल्कि सिर्फ हमारी जबान ही नहीं आपकी जो भी मादरी जबान होती है उस पर आपको फख्र होना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी माँ की जबान है, आपकी मट्टी बिल्कुल की जबान है। बिल्कुल हम सिर्फ पाकिस्तानी शायद उन तीन चार पाँच उन एहसास कमतरी का शिकार मुल्कों में होंगे दुनिया के जो अभी बाहर जाते हैं, तो उस वक्त भी अंग्रेजी में ही जापान में देख लें, फ्रांस में देख लें, कहीं भी फख्र के साथ अपनी अपनी जबान बोल रहे होते हैं। मैं अक्सर जब कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं भी अंग्रेजी में बात इसलिए कर रहा होता हूँ कि बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो इंटरनेशनल जिनको उर्दू समझ में नहीं आ रही थी, बट अगेन आपको बहुत फख्र होना चाहिए अपनी ज़बान के ऊपर। अभी मैंने इमरान खान साहब की कोई तकरीर सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद वो इस दफ़ा जब यूनाइटेड नेशन में खिताब करेंगे तो अपनी ज़बान में करेंगे, विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी जबरदस्त, प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें अपनी ज़बान पर फख्र होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मीरा जी, आप जहाँ जाती हैं इमरान अब्बास का जिक्र बड़ा कर रही मीरा होती बहुत हैं, प्यारी खातून है मीरा एक बहुत ही सच्चे दिल की खुले बहुत ही प्यारी लड़की है, उसको लोग अक्सर उसको पुल डाउन कर रहे होते हैं उसकी अंग्रेजी की वजह से या उसकी ट्रॉलिंग हो रही होती है, बट आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोसेंट गर्ल्स बिल्कुल जिसकी जो बहुत उसकी अंदर से बहुत भोली भाली सीधी सादी मेरी और बहुत प्यारी दोस्त है, अभी भी उनकी थोड़ी देर पहले कॉल थी एंड वी स्पोक फॉर आवर्स एंड ओके या शी इज़ अ वेरी ठीक स्वीट है। गर्ल। अच्छा, मैं जल्दी से अगर पूछूं आपसे, कुछ नाम लूं, अगर आपको इसमें से पिक करना हो, सनम जंग और माया अली क्या पिक करना है इनमें से, बेटर एक्टर? यार सनम ने काम कम किया,
लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा किया। मैं बहुत डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करूंगा, पॉलिटिकली करेक्ट, बट दोनों मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, आई कांट लिव विदाउट एनी ऑफ देम। ओके, आयजा खान और सनम जंग. क्या सनम जंग का आपका क्या मतलब हुआ है? क्योंकि सनम जंग और आयजा जो है, ये दो वो नाम है जो कि मुसलसल लोग पोस्ट फेसबुक पे पूरी पोस्ट दोनों के बारे में होती आपको है. एक और नहीं, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों इंडस्ट्री की वो चंद एक खवातीन में से हैं जिनको आप हल्फिया कह सकते हैं कि यार ये इतनी अच्छी और पॉजिटिव लड़कियां हैं, खानदानी, काम से काम रखने वाली, आए मैंने कभी इनको किसी की बुराई करते नहीं सुना, और इतनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से इतनी अच्छी लड़कियां हैं कि मैं कंपैरिजन नहीं है ना, मतलब आप क्या ठीक है, आपका तो कंपैरिजन आप डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, अंजुम शहजाद और फारूक रिंद, आपने दोनों के साथ काम किया यार क्या, तो मुझे लड़ाई करवाने के लिए मतलब देखो है. फारूक भाई के साथ मैंने एक सीरियल किया था मोहब्बत तुमसे नफरत है, अब मैं सब कहेंगे सबकी तारीफ ही की चला यार, कमाल के आदमी है, मस्त मतलब आदमी पिक है। कोई नहीं कर रहे, मतलब आपको एक नहीं नाम भाई ठक करके मैं आप नहीं, आपका बोले. शो हिट हो जाए बाद में आप, मैं बाद में मुझे लोग अंजुम के साथ मेरी जिंदगी का बेस्ट सीरियल खुदा और मोहब्बत वन, सो आई एम थैंकफुल टू दिस मैन जिसने मुझे इतना प्यारा सीरियल दिया, अभी भी मैं उसके साथ इसीलिए कर रहा हूँ, उसके बाद भी हम एक और शायद खुदा और मोहब्बत 3 भी करेंगे, बट अंजुम के साथ मेरी एसोसिएशन इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो बहुत पुराना मेरा दोस्त है, बस फारूक भाई मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने तहलका मचा दिया, इसलिए कि इज़ अ वेरी जरूर, नाइस पर्सन। बिल्कुल. अच्छा, मैं जो एक चीज़ मैं पर्सनली आपकी जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, देखें एक्टिंग एक्टर सेलिब्रिटी तो आप हैं, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक आपकी पसंद है वो ये कि आप अपनी एक्टिंग और इन तमाम चीज़ों से हट के वो काम करते हैं जो दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, चैरिटी, फंड रेजिंग, ये तमाम चीज़ों के लिए, कभी कैनेडा, कभी अमेरिका, कभी कहीं कभी कहीं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती जो कि हमको पता लग जाती हैं कि ये चीज़ें होती हैं. अभी भी आप जाने वाले हैं अमेरिका, कैनेडा, कुछ ज़रा बताइएगा उसके बारे यार में. मैं वो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो और हदीस है कि दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बस मैं बिल्कुल रैप कर रहा हूँ अपनी बात को, तो उसमें ये कि बिल्कुल आपको नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको इस बात की तबलीग भी करनी चाहिए कि दूसरों की हेल्प आप जितनी ज़रूरत, अक्सर लोग कहते हैं कि आप खुद तो पोस्ट लगा रहे हैं आपने खुद क्या किया, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने क्या 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 किया क्योंकि वही, बट अगेन जितना भी आप अपनी सताहत के हिसाब से दूसरों की मदद कर सकते हैं, मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ इस्लामिक रिलीफ फंड की तरफ से, हम वहाँ चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने जेल रिफॉर्म्स कमेटी के साथ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, शिफा फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ, थर में कुएँ खुदवा रहे हैं और पानी के रिजर्वॉयर्स के लिए काम कर रहा हूँ, और यू नो वी आर डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टाफ, इट्स अनलिमिटेड ठीक है एंड जनाब, बातों का सिलसिला चलता रहेगा. वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से फौरन से वापस आते हैं, करते हैं इमरान अब्बास से थोड़ी और बातें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल.